पंचकुला में हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त ने पंचायतों के खाली पदों पर उपचुनाव का शेड्यूल जारी किया है। ये जानकारी हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। आपको बता दें कि पंचायतों के 1900 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं। जानकारी के अनुसार सरपंच के खाली 18 पदों के लिए बाय इलेक्शन होगा। पंचायतों के खाली पदों पर 9 जून को चुनाव होंगे जिसमें 1958 पंच, 18 सरपंच, 5 मेंबर पंचायत व 2 मेंबर जिला परिषद के लिए उपचुनाव होगा। हरियाणा में पंचायत के रिक्त पड़े पदों पर उपचुनाव को लेकर आज शेड्यूल जारी किया गया है। पंचकुला में हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शेड्यूल जारी किया गया है जिसमें प्रदेश के 1983 ऐसे पद हैं जो रिक्त पड़े थे, उनको लेकर 9 जुलाई को जो मतदान होना है उसकी जानकारी दी गई। आपको बता दें कि 21 से 26 जून तक नामांकन भरे जा सकेंगे, 27 जून को नामांकनों की जांच होगी और 28 जून को नामांकन वापस लिए जाने की तारीख है। वहीं 9 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होगी जिसमें मतदाता अपने नुमाइंदे को चुनने के लिए मतदान करेंगे। वहीं उसी दिन यानी 9 जुलाई को ही चुनाव परिणाम की घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि 1958 पंच के पद हैं जबकि 18 सरपंच के पद हैं, 5 पंचायत मेंबर और 2 जिला परिषद के मेंबर हैं जिस पर ये चुनाव होने हैं। ये वो पद हैं जो पिछले अक्टूबर 2022 में जो पंचायत चुनाव पूरे प्रदेश में हुए थे इसके बाद किन्हीं कारणों के चलते खाली हैं, फिर चाहे वो कोर्ट केस की वजह से या कोई और कारण है, जब ये खाली हुए हैं तो अब ये उपचुनाव होने हैं। वहीं धनपत सिंह जो कि हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने सभी मतदाताओं जो इस क्षेत्र के हैं मतदान करने वाले हैं 9 जुलाई को, उनसे ये अपील भी की है कि सभी लुभावने ऑफर से या किसी अन्य जो गतिविधियां होती हैं उनसे ऊपर उठकर अपने नुमाइंदे को चुने, अपने प्रतिनिधि को चुने जो कि उनके क्षेत्र में विकास कर सके, क्योंकि ये छोटी सरकार कही जाती है और ऐसे में ग्रास रूट लेवल से ही अगर सही नुमाइंदे को चुनेंगे तो विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। पंचकुला से मेरे सहयोगी अक्षय के साथ अर्थ प्रकाश के लिए उमंग शरण। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।